हम सब लोगों ने कई बार अनुभव किया है, हम लोगों ने डॉक्टर जीजी को इस रूप में देखा है। गुरुदेव माता जी से तो हजारों हजारों युवा जो आज जुड़े हैं उन्होंने नहीं देखा है, लेकिन जो स्नेह जो प्यार सुखदेव दीदी और सुखदेव डॉक्टर साहब से मिला है वो आज हम ये कह सकते हैं कि जिसका परिणाम है नया वर्ग, नए वर्ग हमारे बीच युवा के रूप में आज पूरे विश्व देश में हम लोगों के साथ जुड़ रहा है। पूरे विश्व में जो मिशन का मान सम्मान बढ़ा है उसके पीछे आज डॉक्टर साहब की वो दूरदृष्टि का योगदान है जो आज पूरे विश्व में गायत्री परिवार फैला है। हम सब लोग खासकर बिहार के जितने भी युवा भाई हैं, युवा साथी हैं, सदैव डॉक्टर साहब के इस अभियान से, इस प्यार से, बिल्कुल अंतरात्मा से प्रसन्न है कि आप हमें और प्यार देते रहे। आपका प्यार आपका व्यवहार का ही परिणाम है कि आज हम सब कुछ कर सकने के लिए। एक बार हम गायत्री मंत्र से अपनी बात को शुरू कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हमें कुछ विशेष बातें कहनी है। आदरणीय हम सबके सदैव डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, जो आज पूरे विश्व में गायत्री परिवार के इस मिशन को ले जाने में का काम किया है। हम लोगों ने कई बार इसका अनुभव किया, जब भी आपसे मिलने का मौका मिला हमें कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि हम अपने परिवार के किसी बड़े सदस्य के पास नहीं मिलते। आपका प्यार, आपका स्नेह और आपका पाकर आज पूरे बिहार में एक युवा आंदोलन का जो नींव पड़ा है और पूरे तेजी से बढ़ रहा है और इसका प्रभाव आज पूरे देश में दिख रहा है। हम लोगों ने अनुभव किया कि सदैव डॉक्टर साहब का जो भूमिका है वो अतुलनीय है। आपका प्यार और आपका स्नेह अगर इस रूप में नहीं मिलता तो आज युवा आंदोलन इस रूप में खड़ा नहीं होता। 2014 के गांधी मैदान का विशाल युवा सम्मेलन जिसमें वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर सदैव डॉक्टर साहब का हुआ, पटना में बापू सभागार में डॉक्टर साहब का प्रोग्राम हुआ, हजारों हजार लड़के सिर्फ उनकी बात को सुनने के लिए आते हैं। यज्ञों में और कथा में तो भीड़ जुटा लेना, भीड़ को रख लेना आसान होता है, लेकिन विशेषकर जब युवाओं का कार्यक्रम होता है और हजारों हजारों की संख्या में युवा बैठे हों उस समय उन्हें रोके रखना, ये सब सदैव डॉक्टर साहब का विशेष स्नेह और विशेष प्यार से संभव हो पाया है। हम सब लोगों ने कई बार अनुभव किया है, हम लोगों ने डॉक्टर साहब जीजी को इस रूप में देखा है। गुरुदेव माता जी से तो हजारों हजार युवा जो आज जुड़े हैं उन्होंने नहीं देखा है, लेकिन जो स्नेह जो प्यार सदैव दीदी और सदैव डॉक्टर साहब से मिला है वो आज हम ये कह सकते हैं कि जिसका परिणाम है नया वर्ग, नए वर्ग हमारे बीच युवा के रूप में आज पूरे विश्व देश में हम लोगों के साथ जुड़ रहा है। पूरे विश्व में जो मिशन का मान सम्मान बढ़ा है उसके पीछे आज डॉक्टर साहब की वो दूरदृष्टि का योगदान है जो आज पूरे विश्व में गायत्री परिवार फैला है। हम सब लोग खासकर बिहार के जितने भी युवा भाई हैं, युवा साथी हैं, सदैव डॉक्टर साहब के इस अभियान से, इस प्यार से, बिल्कुल अंतरात्मा से प्रसन्न है कि आप हमें और प्यार देते रहें। आपका प्यार आपका व्यवहार का ही परिणाम है कि आज हम सब कुछ कर सकने के रूप में खड़े हुए हैं। सदैव डॉक्टर साहब का जितना बार, कई बार तो हम लोग आपस में जब चर्चा करते हैं मैं उतनी बात को उस शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता है, कर सकते हैं जितना प्यार उनका हम लोगों को मिला है और आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इसका अनुभव किया जाता है। लाखों लाख युवा इससे जुड़ते चले गए और हम सब लोगों के प्रेरणा स्वरूप, हम सब लोगों के आदर्श सदैव डॉक्टर साहब हैं और हमेशा रहेंगे। तहे दिल से हम सभी लोग उनका वो सम्मान, वो प्यार करते हैं जिससे कोई अभिभावक अपने पिता को करता है। आज युवाओं के बीच आपका जो मार्गदर्शन मिलता है, आपका जो आशीर्वचन मिलता है, जब भी हम सब लोग किसी कार्यक्रम को लेके आपके पास पहुँचे हैं, आपके पास समय के अभाव रहने के बावजूद हम लोगों ने अनुभव किया है, हम लोगों ने प्यार से थोड़ा सा दबाव बनाया, आप तुरंत युवा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए
दूसरे तरह के समय को हटा के हम लोगों को आपने समय दिया है। ये सारी चीजें आज एक एक युवा अनुभव करता है कि आज पिछले 5 से 10 वर्षों में जो युवा का विशेष रूप से मिशन में आगमन हुआ है उसमें श्रद्धेय डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा भूमिका है और हम सबके लिए हमेशा श्रद्धेय डॉक्टर साहब आदर्श बने रहेंगे। हम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के चरणों में प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। पूरे बिहार के प्रांतीय व प्रकोष्ठ की ओर से हम कह रहे हैं आपका हमेशा हम लोगों का मार्गदर्शन मिलता रहे, हम लोगों को प्यार मिलता रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।